हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देख लो। मैं वापस आ चुका हूं मारुति सुजुकी अरीना हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और यहां पे देखो यार, इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूं, फ्रंट में आप देख पा रहेंगे भाई, ये रही 2024 की न्यू स्विफ्ट, जो कि यहां पे सबसे टॉप एंड वेरियंट आप डुअल टोन के साथ देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये रेड कलर के साथ जो स्विफ्ट देख पा रहे, ये टॉप एंड वेरियंट की मैनुअल और ये जो है ये ऑटोमेटिक वेरियंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज क्लियर करके बताने वाला हूं कि न्यू स्विफ्ट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा क्या फीचर्स मिलने वाली है, और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की मैनुअल ना लेके ऑटोमेटिक लेते हैं तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या फीचर्स मिलने वाली है, साथ में इसकी प्राइस क्या होगी, वो सब कुछ इस एक वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे। और भाई, हजारीबाग शोरूम से अगर इस गाड़ी को लेते हैं या मारुति की कोई भी गाड़ी की इंक्वायरीज अगर आप करते हैं इस नंबर पर, तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। अब बिना देर के हुए चलते इस गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में। और ZXi प्लस अगर आप लेते हैं वो भी ऑटोमेटिक डुअल टोन के साथ, तो इसके फ्रंट से आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, 2024 के साथ जो स्विफ्ट की जो फ्रंट की लुक है वो काफी अच्छी हो चुकी है, काफी अच्छी अट्रैक्टिव और आई कैची हो चुकी है। तो अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के लाइट के सेटअप में। इसकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखो यार, ये ऑटो के साथ मिलती है, साथ में ये LED के साथ होने वाली है। इसकी DRL भी LED के साथ होती है। नीचे आप टर्न इंडिकेटर की प्लेसिंग आप देख सकते हैं, साथ में इन साइड में काफी अच्छी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी जाती है। 2024 के साथ इसकी ग्रिल को पूरी तरह से चेंज कर दी गई है, तो यहाँ पे न्यू ग्रिल आपको मिलने वाली है और ये पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर के साथ मिलती है। और ओल्ड में जो आपको यहाँ पे लोगो मिलती थी, अब यहाँ पे अपर में बोनेट में मिलने वाली है। 2024 के साथ यहाँ पे LED फॉग लैंप आपको मिलने वाली है, जबकि पहले रेगुलर बल्ब आपको मिलते थे। ये जो स्कीड प्लेट आप ब्लैक कलर के साथ देख पा रहे, ये पहले बॉडी कलर के साथ मिलती थी, लेकिन अभी ये ब्लैक कलर के साथ कर दी गई है। और यहाँ पे ग्रिल में देखो यार, ट्विन हॉर्न आपको मिलेगी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसकी हॉर्न की जो साउंड है वो काफी अच्छी बेहतरीन होने वाली है। अब गाड़ी की बॉनेट की डिजाइनिंग देखो यार, पुराने के कंपैरिजन में काफी अच्छी अपडेट हुई है और ये देखने में भी काफी प्रीमियम लगती है। साथ में ये कर्व डिजाइनिंग कर दी गई है, जो कि गाड़ी को आगे से एरोडायनेमिक बना के रखती है। अब आ चुके हैं गाड़ी के साइड के प्रोफाइल में, तो एक बार आप इसकी साइड की लुक देखो यार। साइड से आपको फील होगा कि सब कुछ सेम है, लेकिन वेट, अभी यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजमेंट है, जो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। सबसे पहले साइड से बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, जहां पे लेंथ विड्थ हाइट साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो पहले के कंपैरिजन में काफी अच्छी हो चुकी है। 15 mm अब यहाँ पे आपको ज्यादा मिलने वाली है, जो डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे गाड़ी के टायर के प्रोफाइल में आते हैं, तो यहाँ पे देखो यार, इसकी जो अलॉय व्हील है डुअल टोन, पहले जो मिलती थी वो चीज तो आपको मिलती है, लेकिन अलॉय व्हील की जो डिजाइनिंग है यहाँ पे चेंज कर दी गई है। टायर की बात की जाए तो ये ब्रिजस्टोन की होने वाली है। टायर सेक्शन 185/65 R15 की होती है। फ्रंट में डिस्क और पीछे यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस पहले की जैसा 163 mm यहाँ पे देखने को मिलती है। अब गाड़ी के ORBM में आते हैं, तो ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे ORBM पियानो ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है। LED टर्न इंडिकेटर साथ में ये ऑटो के साथ मिलने वाली है। 2024 के साथ इसकी AB और C पिलर जो है ये पूरी तरह से ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है। और सबसे अच्छी यहाँ पे अपडेट की, पीछे जो सी पिलर में आपको लॉक मिलती थी पीछे की डोर्स की, अब यहाँ पे बॉडी में कर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अच्छी बात ये भी है कि अभी को ड्राइवर साइड में है, तो यहाँ पे देखो यार, रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाली है। तो ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के साइड में एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलती है, जिसके थ्रू अगर आपके पैकेट में अगर गाड़ी की चाबी हो या फिर नियर में हो, तो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। अब इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए, तो ये अभी पेट्रोल में लगी हुई है, तो इसकी 37 लीटर की कैपेसिटी आपको मिलने वाली है। देन 2024 के साथ यहाँ पे एक न्यू मॉडल आपको मिलने वाली है। पहले जो 4 वेरिएंट मिलती थी, अब यहाँ पे 5 मिलती है। तो मिडिल में VXi ऑप्शनल के नाम पे एक एक्स्ट्रा आपको मॉडल यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसकी जो रूफ टॉप है वो ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है। साथ में एक आपको यहाँ पे बीट मिलती है, और पीछे रेगुलर वायर के साथ इसकी एंटीना होती है। इसके साथ अब बात करते हैं गाड़ी की चाबी की, तो यहाँ पे पहले के जैसा ही आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री वाली आपको चाबी मिलने वाली है, जहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन, पीछे आपको कंपनी की लोगो, एक मैनुअली की मिलने वाली है। इनकेस अगर आपकी चाबी की बैटरी डाउन हो जाए तो आप गाड़ी को मैनुअली रूप से ओपन कर सकते हैं। और ये जो स्मार्ट की आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 2 मिलती है। अब देखो भाई, आ चुके गाड़ी के बैक के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले बात
करेंगे भाई गाड़ी की टेल लैंप की। तो यहाँ पे देखो यार, सी सेप में आपको न्यू टेल लैंप आपको मिलती है, जो कि एलईडी के साथ आपको पहले भी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे न्यू डिजाइन के साथ एलईडी आपको मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर की आप यहाँ पे प्लेसिंग देख पा रहे होंगे। सेकेंडली जो यहाँ पे अपडेट की बात की जाए, तो यहाँ पे जो कैमरा नीचे प्लेसिंग होती थी अब अप साइड में आपको मिलती है। लोगो भी काफी अच्छी लगने वाली है स्विफ्ट की, आप ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे। टॉप एंड वेरियंट है, तो पीछे वाइपर डिफोगर वॉशर आपको मिलती है, साथ में हाई माउंट स्टॉप लैंप और साथ में पीछे चार पार्किंग सेंसर और यहाँ पे रिफ्लेक्टर इसकी देख पा रहे होंगे भाई। इसकी एग्जॉस्ट की प्लेसिंग राइट साइड में की गई है और नीचे देखो भाई, इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को पीछे से भी टो करनी है तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। अब करते हैं गाड़ी के बूट को ओपन। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाली है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं, साथ में एक हैंडल ग्रिप्स जिसके थ्रू आप इसे क्लोज कर सकते हैं, साथ में ये पूरी तरह से ब्लैक कलर में कवर की गई है। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। तो भाई यहाँ पे देखो 265 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है, हालांकि पहले 68 लीटर आपको मिलती थी, 3 लीटर यहाँ पे आपको कम मिलने वाली है। हालांकि कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 3 लीटर कम देखने को मिलती है। ओवरऑल इसकी बूट स्पेस इतनी अच्छी है कि आप 3 ट्रॉली आराम से कैरी कर पाएंगे। इसके साथ पार्सल ट्रे, और पार्सल ट्रे को टो करना है तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक भी मिलती है। और बूट के अंदर में लेफ्ट साइड में एक बूट लैंप आपको मिलती है जिसे मैन्युअली रूप से एडजस्ट आप कर पाएंगे। साथ में देखो यार, यहाँ पे एक लगेज होल्डर भी है, कुछ प्लास्टिक या थैला टो करनी है तो आप कर पाएंगे। और जैसे राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे सिंबल देखो यार, गाड़ी की जो जैक है इनसाइड में आपको मिलने वाली है, तो इसे ओपन करनी है कुछ इस टाइप से और यहाँ से आप जैक निकाल सकते हैं और गाड़ी के स्टेपनी को चेंज कर पाएंगे। इसके साथ इसकी रिफ्लेक्टर आप देख पा रहे होंगे। और बात करते हैं गाड़ी की स्टेपनी की, तो ये स्टील रिम ब्लैक पेंटेड होने वाली है। टायर की बात की जाए तो ये एमआरएफ कंपनी की होती है, टायर सेक्शन 165/80 R14 की यहाँ पे मिलती है, जो कि मैक्स स्पीड आपको 80 की कवर करनी है। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी लोगे ना, तो कुछ उस टाइप की आपको प्लास्टिक मिलने वाली है, जहाँ पे गाड़ी की जैक टूल किट, गाड़ी की मैनुअल बुक, फर्स्ट एड किट आपको मिलने वाली है। तो इंश्योर करना कि इस टाइप के प्लास्टिक में अगर आपको ये सारी चीज रही हो, तब जाके आप गाड़ी को डिलीवरी ले सकते हैं। अब देखो भाई, आ चुके गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो सबसे पहले चलेंगे भाई गाड़ी के सीट में। तो यहाँ पे 2024 के साथ इसकी जो सीट है ऑल ब्लैक कर दी गई है और काफी अच्छी न्यू डिजाइनिंग के साथ मिलने वाली है। सबसे पहले इसकी थाई सपोर्ट की बात की जाए तो भाई पहले के जैसा ही आपको मिलने वाली है, काफी कंफर्टेबल अब आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। पहले जो कुशन है वो हार्ड आती थी, लेकिन अब यहाँ पे काफी अच्छी सॉफ्ट कर दी गई है। इसके साथ नीचे आप देख पा रहे आइसोफिक्स सेफ्टी लॉक, और सबसे अच्छी बात की भाई मिडिल में भी अब 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट आपको मिलने वाली है। और जो पीछे बैठेंगे भाई, तीनों लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है, जो कि डिस्प्ले में आपको दिखने वाली है। एज अ सेफ्टी के तौर पे देखा जाए तो पीछे भी आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इसके साथ दोनों जो हेडरेस्ट है यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिलने वाली है और पीछे 60-40 फोल्डेबल सीट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे गाड़ी की लेग स्पेस की बात की जाए तो काफी कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है, बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। और ये भाई टॉप एंड वेरिएंट है, तो रियर एसी वेंट आपको मिलती है। साथ में नीचे देखो यार, यहाँ पे एक अलग से आपको मिलने वाली है एज अ 12 वोल्ट की रेगुलर चार्जर, अगर आपको लगानी है तो ये चीज आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। लेकिन 2024 के साथ पीछे देखो यार, यहाँ पे चार्जर आपको मिलने वाली है, टाइप ए और टाइप सी आपको मिलती है, जहाँ पे आप यहाँ पे फोन कैरी कर पाएंगे। कोडाइबा सीट के पीछे पैकेट मिलने वाली है, जहाँ पे बोतल मैगजीन कुछ कैरी करनी है तो आप इजी वे में कर पाएंगे। इसके साथ दोनों साइड में ऊपर में सॉफ्ट हैंडल ग्रिप्स। और गाड़ी की रियर डोर ट्रिम्स की बात की जाए तो ये ऑल ब्लैक कलर के साथ होने वाली है, हालांकि इसकी जो नॉब है ये क्रोम के साथ मिलती है। यहाँ पे कुछ उस टाइप की आपको 3D वाली डिजाइनिंग मिलने वाली है, पीछे पावर विंडोज की या कोइन कैरी करनी है, ऐसा आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच जैसा फील होगा। लेकिन ये हार्ड मटेरियल है, पीछे 1 लीटर की बोतल होल्डर और पीछे स्पीकर्स यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। और रेगुलर कार्स की तरह पीछे के डोर्स में यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक आप देख पा रहे होंगे। अब आ चुकी है गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में, तो एक बार आप इसके इंटीरियर देखो यार, एज अ प्रीमियम आपको फील करवाने वाली है 2024 के साथ, जो चीज मैं आपको आगे कवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। तो सबसे पहले वही 3D वाली डिजाइनिंग, इसकी नॉब जो है क्रोम के साथ, साइड में यहाँ पे देखो यार सिल्वर की डिजाइनिंग आपको मिलने वाली है। चारों पावर विंडो ड्राइवर के साइड जो है वो ऑटो के साथ मिलती है, साथ में ये एंटी पिच पावर विंडो ड्राइवर के साइड मिलने वाली है। बाहर के ORBM को फोल्ड करनी है या एडजस्ट करनी है, सारी चीज आप यहीं से कर पाएंगे। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सॉफ्ट
टच है वो आपको फैब्रिक के साथ मिलती है। अपसाइड में भी दी गई है नीचे 1 लीटर की बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर, नीचे स्पीकर्स, और अच्छी बात यह है कि ये टॉप एंड वेरिएंट है तो ऊपर में ट्विटर्स भी मिलती है। अब गाड़ी के ड्राइवर सीट में आते हैं तो ये हाइट एडजस्टेबल के साथ इसकी थाई सपोर्ट जो है वो काफी कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है और इसकी शोल्डर सपोर्ट भी काफी अच्छी है, प्रॉपर आपको हक करके रखने वाली है। साइड में इसकी जो दोनों जो हेडरेस्ट है वो हाइट एडजस्टेबल के साथ है और ड्राइवर सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो यहाँ पे इजी वे में आप कर पाएंगे। और 2024 के साथ जो मुझे सबसे अच्छा अपडेट लगा स्विफ्ट में, यहाँ पे SRS एयरबैग आप देख पा रहे जो कि दोनों सीट के आपको साइड में मिलने वाली है। तो 2024 के साथ यहाँ पे स्विफ्ट की अगर आप कोई भी वेरियंट लेते हैं तो 6 एयरबैग आपको मिलती है। सबसे पहले दोनों सीट के साइड में 2 एयरबैग्स, ड्राइवर को ड्राइवर के साइड में मिला के 2 एयरबैग, और दोनों पिलर के अप साइड में मिलती है जिसे कटन एयरबैग के नाम से हम जानते हैं। तो कुछ इस टाइप से काउंट करके 6 एयरबैग यहाँ पे मिलने वाली है। अब गाड़ी की ड्राइविंग स्टीयरिंग की बात की जाए तो भाई यहाँ पे देखो यार, न्यू पियानो ब्लैक कलर के साथ मिलने वाली है, हालांकि 3 स्पोक के साथ, और ये जो डी कट था ये पहले भी आती थी। बीच में आप लोगों देख पा रहे होंगे सिल्वर की डिजाइनिंग। इसकी हॉर्न की साउंड सुनो यार, डुअल जो हॉर्न है ये काफी अच्छी इसकी लाउड बढ़ा देती है। लेफ्ट साइड में म्यूजिक की सारी कंट्रोल्स, नीचे देखोगे तो कॉल रिसीव करना है, कट करना है, वॉइस कमांड भी आपको मिलती है। राइट साइड में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, राइट साइड में यहाँ पे लाइटिंग की नॉब, जहाँ पे ऑटो की सिंबल आप देख पा रहे होंगे, साथ में लेफ्ट साइड में वाइपर की नॉब दी जाती है, और इसकी जो स्टीयरिंग है वो आपको यहाँ पे टिल्ड ही देखने को मिलती है। अब जैसे राइट साइड के डैशबोर्ड में एसी वेंट में आते हैं तो साइड की जो एसी वेंट की ब्लोअर है आप यहीं से एडजस्ट कर पाएंगे। ये टॉप एंड वेरियंट है भाई, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन तो मिलने वाली है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन और लाइट लेबलिंग की स्विचेस। गाड़ी के फ्यूल लिड को ओपन करना है या बोनेट को ओपन करना है तो दोनों लीवर यहाँ पे दी जाती है, और ये भाई ऑटोमेटिक है, AGS ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो क्लच यहाँ पे आपको मिसिंग मिलने वाली है, साथ में एक चीज काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे डेडिकेटेड फुटरेस्ट आपको मिलती है लॉन्ग ड्राइव में, ये काफी अच्छी आपके पैर के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पे आ चुके गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे देखो न्यू डिजाइनिंग के साथ आपको मिलने वाली है जो कि एज अ स्पोर्टी आपको फील करवाती है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलने वाली है। गाड़ी की इंजन कितनी हीट है आप यहां से देख सकते हैं, साथ में गाड़ी में फ्यूल कितनी है वो चीज़ आप देख सकते हैं। अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, तो अगर आप स्विफ्ट की टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं ऑटोमेटिक के साथ तो गाड़ी में यहां पे इंडिकेटर आपको दिखने वाली है कि कौन सी गियर में है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। और पीछे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर है, जैसे आप देखो लेफ्ट साइड में मैंने अभी सीट बेल्ट अभी लॉक नहीं की है तो यहां पे आपको रेड सिंबल आपको दिखने वाली है, साथ में यहां पे ट्रिप A ट्रिप B, और गाड़ी क्या रेंज दे रही है, क्या एवरेज दे रही है, वो सब कुछ यहां पे आप देख पाएंगे। लेफ्ट साइड में एक आपको नॉब मिलने वाली है जिसके थ्रू गाड़ी के ट्रिप A ट्रिप B ऑटो आप देख पाएंगे। सेम आपको राइट साइड में एक नॉब मिलने वाली है जहां पे गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, साथ में आपकी ड्राइविंग टाइमिंग क्या होने वाली है, टोटल आइडियल स्टार्ट स्टॉप की टाइमिंग और एक्चुअल टाइम आप देख सकते हैं, मोशन फ्रंट और रियर की, साथ में टॉर्क और पावर। आगे जाते हैं गाड़ी की एक्सलेशन और ब्रेक किस टाइप से यूज़ किए हैं, कितना हार्स आप यूज़ किए हैं, इसके साथ आगे अगर आप जाते हैं तो वही आपको फ्यूल इकोनॉमी आपको बताने वाली है। तो जरूरत की सारी चीज अब यहाँ पे मिलती है, वो भी न्यू डिजाइनिंग के साथ। अब चलते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड में, तो 2024 के साथ इसकी जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा डैशबोर्ड को जो खूबसूरत बना रही है इसकी फ्लोटिंग टच स्क्रीन, जो कि आपको पहले 7 इंच के साथ मिलती थी लेकिन अब यहाँ पे आपको 9 इंच के साथ मिलती है। पहले जो वार्निंग आपको बताती थी अगर गाड़ी में फ्यूल लो है तो यहाँ पे वार्निंग बताती है जिसे आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो म्यूजिक सिस्टम है भाई इसकी ऑडियो वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात 2024 के साथ यहाँ पे अब आपको स्विफ्ट में भी सुजुकी कनेक्ट देखने को मिलने वाली है। कहने का मतलब है कि अब आप अपने फोन में एक ऐप के थ्रू गाड़ी का लाइव लोकेशन आप गाड़ी को ट्रैक कर पाएंगे, साथ में गाड़ी को लॉक अनलॉक करनी है, लाइट ऑन ऑफ करनी है, जरूरत की वो सारी चीज जो सुजुकी कनेक्ट में आपको मिलते वो यहाँ पे भी अब आपको स्विफ्ट में देखने को मिलती है। ये जो म्यूजिक सिस्टम है 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स के साथ मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले की सारी कनेक्टिविटी मिलती है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसकी जो डिस्प्ले है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बिग है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसकी जो पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है इसे और भी प्रीमियम बना रही है। नीचे अब आते हैं तो हेजार्ड लाइट की बटन्स आप देख पा रहेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, और यहाँ पे जो सिल्वर की इसकी डिजाइनिंग है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। सेम 3D वाली यहाँ पे डिजाइनिंग आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। गाड़ी के ग्लोबॉक्स की बात करते हैं तो स्पेस आपको सेम मिलने वाली है, कूलिंग वाली हालांकि अभी भी नहीं दी जाती।
चाहिए। लेकिन नीचे जैसे आप आओगे तो 12 वॉट की रेगुलर चार्जर यूएसबी पोर्ट तो आपको देखने को मिलती है, जो कि पहले भी मिलती थी, लेकिन भाई यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर आपको मिलने वाली है, जो कि न्यू अपडेट्स के साथ इसे चेंज की गई है। ये काफी अच्छी बात है यार, टाइम टू टाइम अपडेट हुई है, साथ में दो कप होल्डर और यहाँ पे गाड़ी के गियर नॉब में आओ तो भाई ये AGS वाली ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग वाली है। अगर गाड़ी को अगर मैन्युअली रूप से अगर आप ड्राइव करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, मैन्युअली में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, ड्राइव में आपको ऑटोमेटिक चलानी है, गाड़ी को रिवर्स करनी है, न्यूट्रल करनी है, यहाँ पे आप कर पाएंगे। बीच की कंसोल देखो यार, ये पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर के साथ रखी गई है और अप साइड में यहाँ पे लेदर वाली फिनिशिंग, यहाँ पे किया कॉइन कैरी करनी है, हैंड ब्रेक की जो ग्रिपिंग है ये काफी अच्छी लगती है मुझे पहले से ही। अब लेफ्ट साइड में जैसे आते हैं को ड्राइवर के अप साइड में, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट हैंडल ग्रिप्स और इधर आप देखो यार सनवाइजर में वैनिटी मिरर, आपको रेगुलर लाइट यहाँ पे मिलने वाली है, ऊपर में माइक डे नाइट के साथ इसकी IRVM होती है और यहाँ पे कार्ड होल्डर मिलती है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया 2024 के साथ अब यहाँ पे 6 एयरबैग मिलती है, तो इस वेरिएंट में भी आपको मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले ऊपर में देखो ब्लैक कलर के साथ इसकी इंसुलेशन होने वाली है, जो कि इंजन के नॉइज और हीट को एब्जॉर्ब करती है। और भाई एक चीज यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है 2024 के साथ, पहले जो ओल्ड में आपको K सीरीज की इंजन आपको मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे Z सीरीज की आपको इंजन मिलने वाली है। हालांकि K सीरीज की जो इंजन थी वो 4 सिलेंडर के साथ मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर के साथ Z सीरीज वाली आपको इंजन मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि Z सीरीज वाली इंजन में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाली है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे K सीरीज के कंपैरिजन में माइलेज आपको अच्छा मिलने वाली है, सिटी में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होने वाली है और गाड़ी की जो टॉर्क और पावर है वो क्विक में आपको बेहतरीन मिलती है, तो ये फायदा होने वाला है आपको Z सीरीज के साथ। हालांकि Z सीरीज जो है वो 3 सिलेंडर के साथ आती है, तो नॉइज आपको थोड़ा सा देखने को मिलने वाली है, लेकिन ओवरऑल ये 3 चीज जो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है भाई। अभी के टाइम पे गाड़ी की जो माइलेज है वो सारे कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। अब यहाँ पे नीचे देखो यार, पूरी तरह से प्रोटेक्टर आपको मिलने वाली है, जो कि इंजन को मेजर स्क्रेचेस, वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है। बैटरी पूरी तरह से कवर है, तो कौन सी कंपनी की है वो चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग को लेकर सारे सिस्टम्स दी जाती है। अच्छी बात यह है कि 2024 के साथ यहाँ पे ब्रेकिंग को इम्प्रूवमेंट की गई है, पहले आपको 2 एयरबैग्स मिलती थी, अब यहाँ पे 6 एयरबैग मिलती है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल्ड होल्ड असिस्ट, अब ये स्टैंडर्ड फीचर्स है जो कि स्विफ्ट के बेस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाती है। साथ में गाड़ी में ABS, EBD, CSC, फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम, पीछे कैमरा, साथ में पार्किंग सेंसर, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर, वो भी 3 पॉइंट के साथ, तो भाई बेसिक से टॉप एंड लेवल की सारी सेफ्टी फीचर्स अब यहाँ पे आपको मिलती है। और इस गाड़ी को लेते हैं तो पुराने के जैसा ही वारंटी आपको मिलने वाली है, जहाँ पे 2 साल या फिर 40,000 की कवरेज होती है। वारंटी को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो टोटल 5 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक आप इसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं Z सीरीज वाली इंजन लेते हैं, तो इसकी जो पावर और टॉर्क मिलती है वो आप डिस्प्ले में देख पा रहेंगे। हालांकि जो K सीरीज की जो इंजन थी जो पहले आता था, वहां पे पावर और टॉर्क Z सीरीज के इंजन के कंपैरिजन में बेहतर मिलती थी, कुछ एक्स्ट्रा मिलता था, जो कि आप यहां पे कंपैरिजन देख सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भाई वहां पे आपको ज्यादा मिलता था। लेकिन सवाल उठता है माइलेज का, तो K सीरीज की जो इंजन थी वहां पे ऑटोमेटिक मैनुअल में ये आपको माइलेज मिलती थी, लेकिन भाई Z सीरीज वाली इंजन में आपको यहाँ पे माइलेज उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा मिलता है, जो आप देख पा रहे होंगे। साथ में अब बात करते हैं कि ये भाई स्विफ्ट की सबसे टॉप एंड वेरिएंट है डुअल टोन के साथ, और ये ऑटोमेटिक के साथ है, जहां पे AGS ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहां पे मिलने वाली है, तो इसकी जो एक्सोरूम पड़ने वाली है वो 9,64,000 पड़ती है, और इसे हजारीबाग अरीना शोरूम से लेते हैं, जो कि झारखंड में अवेलेबल है, तो यहां पे जो इसकी ऑन रोड पड़ने वाली है वो आपको 11,30,000 के आसपास पड़ती है। इस ऑन रोड के प्राइस में 5,000 की एसेसरीज इंक्लूड है, जिसे आप अपने चॉइस के अनुसार ले पाएंगे। तो ये रहा इस गाड़ी की सारी फीचर्स, जहां पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया कि न्यू अपडेट्स के साथ यहां पे पुराने के कंपैरिजन में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलने वाली है। साथ में टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ना लेके अगर आप इसकी ऑटोमेटिक लेते हैं, तो वो जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, यहां पे ऑटोमेटिक में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है, तो वो सब कुछ मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मारुति स्विफ्ट लेने का प्लान करते हैं न्यू के साथ, तो भाई इसकी सारी वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। बेसिकली जो VXi ऑप्शनल आई है मिडिल वाली वेरिएंट, वो काफी अच्छी है। अगर कम बजट में सारी फीचर्स के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हजारीबाग शोरूम से अगर इस गाड़ी को लेने का प्लान करते हैं तो ये रहा वीडियो में।
में नंबर। तब तक के लिए जय हिंद और तब तक के लिए अलविदा।